पता है। तो आज हम बनाएंगे सेवई की खीर। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें एक टीस्पून देसी घी लिया है। तो इसमें एक टेबलस्पून काजू डालेंगे, एक टेबलस्पून किशमिश और एक टेबलस्पून बादाम। इनको लो फ्लेम पर ही 30-40 सेकंड तक रोस्ट कर लेंगे। अब इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। और मैंने यहाँ पर 50 ग्राम सेवैयाँ ली हैं, ये रोस्टेड सेवैयाँ हैं। फिर भी मैंने एक टीस्पून घी और डालकर कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए इन्हें चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे, जब तक इनसे खुशबू आने लगे। सिर्फ इतना चलाना है। और इसमें डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम उबला हुआ दूध। दूध को मैंने पहले ही उबाल कर रखा है, तो फुल क्रीम दूध डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी सेवैयाँ बनती हैं। और यहाँ मैंने कुछ केसर के धागे दूध में डालकर रखे थे, तो इनको भी डालेंगे। इससे सेवैयों का कलर बहुत अच्छा आएगा। 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। और यहाँ रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। और अब सेवैयों को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। चलाते हुए पकाना है, पूरे टाइम चलाना है इनको। और यहाँ पर डालते हैं हम 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर सर्व कर सकते हैं, या आप चाहो तो इनको गर्म भी खा सकते हैं। लेकिन अगर गर्मी के लिए डेजर्ट तैयार कर रहे हैं तो ठंडी होने के बाद ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। और सर्व करने के बाद ऊपर से भी कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारी सेवैयाँ की खीर तैयार हो गई है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें।